फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने विंटर के फ्लावर्स को हम कैसे बीज के द्वारा उगा सकते हैं इसके बारे में वीडियो लेकर आई हूँ, पार्ट टू। इससे पहले मैंने आपको विंटर सीड्स की सिंपली थोड़ी जानकारी दी थी फर्स्ट वीडियो में, आज हम उनको उगाने का तरीका जानेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पांच तरह के सीड्स लिए हैं और मैंने ये पांच तरह की, इनके लिए पांच ट्रे तैयार की हैं और इनमें हम अलग अलग तरह के सीड्स उगाएंगे। ये दोस्तों गजेनिया है, बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स आते हैं। ये विंका है, इसके भी बहुत प्यारे प्यारे अलग अलग रंगों के सुंदर सुंदर फूल आपको सर्दियों में और पूरे साल ही मिलते हैं, लेकिन ये जो गजेनिया है ये सिर्फ सर्दियों में आपको फूल देता है। वर्बिना है, ये भी सर्दियों का है। ये डेलिया है, मिक्स है, इसमें भी अलग अलग सभी रंगों के फ्लावर्स आपको मिलेंगे। ये जीनिया है। तो हम इनको पांचों को आज उगाने का तरीका देखेंगे। तो दोस्तों मैंने ये पांच ट्रे इनके लिए तैयार की हैं और हम इनमें वन बाय वन सीड्स उगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जीनिया के सीड्स दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके ये सीड्स हैं और ये इसका इस तरह का फ्लावर आपको सर्दियों में मिल जाएगा। तो इनको जो सर्दी के पौधे हैं इनके उगाने का सबसे सही तरीका है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपको इनको उगा लेना चाहिए ताकि सर्दियों में आपको इसके फ्लावर्स मिल जाएं। तो अब हम ये देखें दोस्तों, ये इसके सीड्स, ठीक है। अब इसको हम इस ट्रे में उगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रे है हमारे पास, मैंने इसमें मिट्टी डाल के इसको रेडी किया हुआ है और अब मैं इसमें मैंने तीन लाइन बना ली है और मैं वन बाय वन इसमें सीड डालने वाली हूँ। इस तरह से हम डाल देंगे इसमें और मैंने इसके बीज डाल दिए। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो मिट्टी है ना इसको मिला देना है इसके ऊपर, ताकि जो सीड्स हैं उनके ऊपर हमारी एक पतली सी लेयर मिट्टी की आ जाए। आप इसको ढक दीजिए। ये सिंपल मिट्टी है, इसमें थोड़ा मैंने लकड़ी का बुरादा मिलाया हुआ है और इससे इसमें नमी बनी रहेगी और जब भी आपको ये लगे कि सूख गई है ट्रे तो इसमें आप पानी दे दीजिए और फिर इसमें देखिएगा 5-7 दिनों में आपको सीड्स से प्लांटलेट्स उगने शुरू हो जाएंगे। आप देखिएगा ये रेडी हो गई है। अब देखिए मैं दूसरे डेलिया वाले पौधे के सीड्स लगाने वाली हूँ और ये देखिए दोस्तों, डेलिया के जो बीज हैं वो इस तरह के होते हैं और ये इस तरह का इसका फ्लावर है। ये कलरफुल और बहुत सारे इसकी वैरायटी में आते हैं। अब इसको मैं इस ट्रे में लगाने वाली हूँ। इसमें भी मैंने तीन लाइनें बना ली हैं तो मेरे को तीन लाइन में ही ये पौधे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इनको मैंने पतली सी एक लेयर से ढक दिया है और जब आप पानी देंगे तो इसको या तो किसी स्प्रे बोतल से देना ताकि बीज अपनी जगह से डिस्प्लेस ना होए और आपको फर्टिलाइजेशन का पूरा रेट मिले। ये दोस्तों मैंने इसमें डेलिया लगाया है और डेलिया के लिए मैंने इस पर लिखा है मार्कर से और इसमें हम डेलिया का ये ताकि हमें याद रहे कि हमने किसका लगाया है। इसमें मैंने गजेनिया का लगाया था तो इसमें मैं गजेनिया की ये स्टिक कर दूंगी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मैंने गजेनिया नहीं लगाया था, जीनिया लगाया था तो मैं इसमें जीनिया की ये स्टिक मैंने पहले से रेडी कर रखी है ताकि याद रहे कौन सा पौधा मैंने लगाया है। अब गजेनिया,
जिनिया के सीड्स दोस्तों, ये देखिए कैसे आते हैं। ये तो फिर फ्लावर्स हैं इसके, और सीड्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के सीड्स इसके फैदर सा इस पर लगा होता है दोस्तों। और इसके लिए मैं ये वाली ट्रे तैयार करती हूँ, और ये मैंने इसमें फिर से तीन लाइनें बनाई है दोस्तों। मैं इसमें तीन लाइन में बीज उगा सकती हूँ। दोस्तों सीड से उगाना हमारे लिए बहुत किफ़ायती रहता है। अगर हम प्लांट्स लेने जाते हैं सर्दी में नर्सरी में, तो हमें 30 रुपये का एक पौधा मिलता है। और अगर किसी बीज की दुकान से आप ये सीड्स ले आते हैं, तो आपको ये एक पैकेट करीब 30 रुपये का मिलता है, और इसमें आप बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं एक बार में, और सर्दियों में ढेर सारे आपको फूल मिल जाएंगे। इसको भी हम दोस्तों ऐसे मिट्टी से थोड़ा हल्का सा ढक देंगे, और इस पर एक पतली सी लेयर लगा देंगे सीड्स पे, ताकि, और फिर उसके बाद इनमें हम पानी एक साथ देंगे दोस्तों। मैंने ट्रे रेडी कर ली है, और ये मैंने विंका के सीड्स अब लगाऊंगी। गजेनिया का हमारा लग गया है। गजेनिया में हम स्टिक हमारी जो मैंने रेडी कर रखी है, हम वो लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने गजेनिया की लगा दी। अब विंका के सीड्स हम लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए, ये ऐसी पैकिंग में आते हैं, इसके बारीक होते हैं बीज ना, बहुत बारीक होते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, जो हमारा देसी विंका होता है वो तो आराम से वैसे ही लग जाता है, लेकिन इसके जो इंग्लिश विंका है ना हाइब्रिड, इसके लिए हमें सीड्स लेके आने पड़ते हैं, या फिर हमें नर्सरी से ये पौधा परचेज करना पड़ता है। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारा विंका मैं इसमें लगाती हूँ। इसमें मैं तीन लाइनें ऐसे लगा देती हूँ, और फिर इसमें मैं ये स्प्रिंकल कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं इसमें, और हमारा विंका की ट्रे भी रेडी हो गई है। मैं इसमें थोड़ी मिट्टी ऊपर से डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बारीक सीड्स हैं दोस्तों। मेरी ट्रे रेडी हो गई है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो स्टिक है विंका की, वो मैंने रेडी कर रखी है, और मैं ये उसमें लगा लेती हूँ। अब हमारा एक वर्बीना हमारा बच गया है। ये वर्बीना के फ्लावर्स हैं दोस्तों, इस तरह के कलरफुल बहुत ही प्यारे फ्लावर्स इसके बंचेज में आते हैं, और ये हमारे सीड्स हैं विंका इसके वर्बीना के। ये देखिए दोस्तों, ये इसके सीड्स बिल्कुल, ये इसका जो टेक्सचर है वो जीरे के बीज जैसा है। और अब वर्बीना हम लगाएंगे दोस्तों, और ये इसमें हमें पता नहीं चलता दोस्तों कि कौन सा कलर ये हमें देगा। जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होएगी, तभी हमें पता चलेगा कि ये कौन से कलर का हमारा वर्बीना का प्लांट है। तो दोस्तों, इसको हमारी जो लास्ट ट्रे बची है, इसमें स्प्रिंकल कर देते हैं, और इसके साथ हमारे पांच, ये देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। ये मैंने स्प्रिंकल कर दिया। अब इसमें मिट्टी से हमें थोड़ा इसको ढक देना। इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगी दोस्तों, थोड़ा ऊपर से मिट्टी मेरे को स्प्रिंकल करनी पड़ेगी, ताकि ये स्प्रेस ना हो। पतली सी लेयर लगाएंगे, ताकि फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको ढक दिया है सीड्स को। अब हम इसमें
वाटरिंग करने वाले हैं दोस्तों। ये हमारी वर्बिना की स्टिक मैंने रेडी कर रखी है, अब मैं इनमें सब में ही पानी देने वाली हूँ। ये परमानेंट मार्कर से आप दोस्तों लिख लीजिए, ताकि आपको जब प्लांट्स निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला प्लांट है। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें वाटरिंग कर देती हूँ दोस्तों। इसको हमने स्प्रे बॉटल से ही करना है, नहीं तो हमारे जो सीड्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे एक जगह से, और फिर हमारा जो फर्टिलाइजेशन रेट है ना उस पर इससे इफेक्ट आएगा। तो ये हमारी ट्रे, जब भी हमें लगे कि इसकी मॉइस्चर जो है वो कम हो गया है, तभी हमें और पानी इसमें स्प्रिंकल कर देना है, अदरवाइज इसको। और दोस्तों इसको सेमी शेड में रखना, जहाँ कुछ घंटों की इसको धूप की भी ज़रूरत होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये आज का हमारा वीडियो था दोस्तों, कैसे हम सर्दियों के फूलों वाले पौधे घर पर बीज से उगा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।